फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन हम जाने वाले हैं आज घर। हमारे साथ जा रहे हैं इरफान भाई और बरार भाई। खैरियत कैसे हो? कब तक शिमला आप? चंदपुर से सुबह है ना आज? हाँ सुबह है ना। ऐसा चलो ठीक है। साकिर भाई खैरियत? चलो अब चलते हैं ना। दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज। अबू भाई चले। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखो है ना। अल्लाह पाक सफर आसान करे और जल्दी से निकलते हैं। ठीक है सामान मेरा ही है। चलो चलते हैं जल्दी से। दुआ पढ़ लेते हैं सुभान अल्लाह जी। उसे गाड़ी में बैठ के पढ़ लेंगे। सुभान अल्लाह जी सखलनाहुमकिन वबीनाबी। और आज गर्वी शरीफ भी हैं। तो फाइनली इतना सारा सामान है हमारे पास, देख सकते हो। ऑटो पकड़ते हो सीधे जाते हैं रेलवे स्टेशन। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह फिर पहुंच गए रेलवे स्टेशन। बच्चे भी आराम कर रहे हैं और इरफान भाई भी मोबाइल चला रहे हैं। और हम यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि गाड़ी का कोई फिक्स है नहीं। कभी 5 पे आती है, कभी 6 पे आती है, कभी 7 पे आती है। तो फिर हमें इस इतना सारा वेट उठा के फिर इधर उधर लेके जाना पड़ेगा। इसलिए हम सोच रहे हैं यहीं वेट करते हैं और गाड़ी जिस नंबर पर आएगी उस नंबर पर चल जाएँगे। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बैठ गए हम ट्रेन में। और ये हमारे दोस्त अहबाब बैठे हैं, बुजुर्ग लोग। क्या बुजुर्ग लोग कैसे हो? चलो ठीक है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी चल रहे हैं, मस्त चिल कर रहे हैं। बच्चे भी एकदम कैसा लग रहा है? और वैसे दो और पैसेंजर है और सेकंड एसी में हमारा टिकट वैसे तो। और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे हमारा अबरार भाई का मसला है भी थोड़ा हो जाएगा अभी। बाकी वो क्या है वो तो आपको मालूम पड़ जाएगा। और अभी फिलहाल हमने इतनी सारी पानी वाटर लिए, देख सकते हो आप कितनी है। 1 2 3 4 5 पानी वाटर ले लिया हमने पूरे सफर के लिए। और कभी लगा तो और लेंगे बाद में। और फिर फाइनली एक मसला हो गया क्योंकि मैं डीसी ने सीट नहीं दी। तो फिलहाल हमें इसके अंदर आगे बैठना पड़ा स्लीपर के अंदर। स्लीपर भी ये बिल को बुला देंगे और उसके बाद फिर बुला लेंगे। और डीसी मान नहीं रहा था मतलब बहुत ज़्यादा मतलब चलो बोले यहाँ नहीं रुक सकते तुम। फिर हमें एडजस्ट यहीं करना पड़ा। तो यही रात भर थोड़ा वेट करेगा, सो जाएगा यहीं पर और उसके बाद सुबह आ जाएगा इंशाल्लाह। उधर डब्बे में उधर फिर खाना वाना खाएँगे कल सुबह और देखेंगे। फिलहाल हमारे अबरार भाई सो जाएंगे। क्यों कोई मसला तो नहीं? चलो हाँ। और फाइनली फिलहाल मैं आ गया। बच्चे को मतलब स्लिप मतलब एक सीट मिल गई तो वहाँ बिठा दिया उसको, सो गया वैसे भी। और फिलहाल नींद भी आ रही है और मैं सोता हूँ। मिलते हैं बाकी सुबह। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खा लिया, सुबह भी हो गई और फिलहाल शाम भी हो चुकी है क्योंकि स्टेशन भी आ गया हमारा। ये है खंडवा स्टेशन। और फिलहाल सामान उठाते हो जल्दी से पकड़ते हैं गाड़ी, नहीं तो गाड़ी निकल जाएगी हमारी। और मिलते हैं अब गाड़ी में बैठने के बाद, ऑटो पकड़ेंगे यहाँ से। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी में बैठ गए। वैसे भी बस में ऑटो में बैठे हैं। ऑटो के बाद अभी गाड़ी पकड़नी है हमें खंडवा स्टेशन से डायरेक्ट बस स्टैंड से डायरेक्ट हम पकड़ेंगे गोगाँव। और फिलहाल ऑटो में बैठे हैं, ऑटो में सामानों को लोड कर दिया और साथ में बैठे हमारे इरफान भाई भी और इरफान भाई। और ऑटो भी चल ही रहा है और एकदम बहुत स्पीड में आना पड़ा हमें जल्दी जल्दी भाग के क्योंकि गाड़ी छूट जाएगी अगर हम लेट हो जाते हैं थोड़ी देर। तो 5-10 मिनट हो रहे हैं तो पहुँच गया उसके बाद ट्रैफिक में फंस जाए थे हम। और अभी फिलहाल हमारे अबरार भाई ने नाश्ता लिया है। क्या लिया आपने? नहीं और मूँगफली की दाल है, पीनट लिया। हाँ भाई बस में बैठ गए और अब सीधे चलते हैं घूम रहे खड़ी। और नाश्ता भी है भैया। फाइनली घूम रहे खड़ी पहुँच गए और मामा जी लेने आए। खैरियत मामा जी कैसे हो? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कहाँ अरबाज भाई? अरबाज भाई है। चलते हैं फटाफट आराम से निकल। सामान भी निकल रहा है। सामान निकलवा यार। अरे निकाल तो रहे बच्चे और क्या। और अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं सीधे गुड़गांव। और फिलहाल हमें रिसीव करने के लिए रहमत भी आई है। रहमत क्या हाल चाल है? इरफान भाई और रिजवान मोनू और एक मोबाइल दिखाओ आपका जरा। अरे एक मिनट वॉच तो दिखाओ जरा, अल्ट्रा वॉच देख सकते हो आप, स्टैंडर्ड वॉच है। दिखाओ जरा ओपन कर चालू करके। वाह माशाल्लाह ये दो दो वॉच है हमारे मोनू भाई के पास। ये मोनू भाई है बरेली। और इस पर जल्दी चलते हैं घर पे, बच्चे भी वेट कर रहे होंगे।